हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुटोर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज हम बनाएंगे मॉनसून स्पेशल टी, लेमन ग्रास एंड जिंजर टी। अक्सर हम घर पे मसाला चाय, जिंजर वाली चाय और इलायची वाली बनाते हैं, पर आज हम बनाएंगे अदरक और लेमन ग्रास चाय। मैं आपको लेमन ग्रास के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। तो इस टाइप का लेमन ग्रास इजीली मार्केट में मिल जाता है, सब्जी वाले के शॉप पे मिल जाता है, ये आप इजीली घर पे भी उगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो आपको चाय में यूज़ करना है, और ये जो हार्ड पार्ट रहता है जो वाइट कलर का थोड़ा सा आता है, आप इसे कोई भी वेजिटेबल स्टॉक में यूज़ कर सकते हैं। लेमन ग्रास के बहुत सारे फायदे हैं, अगर आपको सर्दी है या आपको सिर दर्द का प्रॉब्लम है तो आप ये चाय में डाल के पी सकते हैं। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन कर देते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप पानी। अब इसमें डाल देते हैं चाय पत्ती। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। इसमें मैं डाल देती हूँ चीनी 1 टेबल स्पून, और इसे थोड़ा सा हिला लें। चाय पत्ती को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से उबालेंगे, और यहाँ पे पानी का प्रोपोर्शन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दूध फ्लेवर वाली चाय पसंद है तो आप दूध ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से उबलने देंगे, बीच में 1-2 बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर हम पानी के साथ चाय पत्ती उबालते हैं तो इसका जो कलर और फ्लेवर है वो ज़्यादा जल्दी से आ जाता है। अगर हम दूध के अंदर चाय पत्ती डाल देते हैं तो इसका कलर जल्दी से नहीं आता है और फ्लेवर भी इतना एनहांस नहीं होता है। चाय और पत्ती अच्छे से घुल गई है, और अब इसमें मैं डालती हूँ दूध। यहाँ पे मैं दूध 1 कप ले रही हूँ। दूध की मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से उबालेंगे। आज हम चाय में लेमन ग्रास यूज़ करने वाले हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर बारिश की मौसम हो या ठंड की मौसम हो तो ये जो लेमन ग्रास है वो बहुत फ़ायदेमंद है। अगर सर दर्द है या सर्दी हो तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। ये लेमन ग्रास है, इसका जो फ्लेवर है वो लेमन ही रहता है और खट्टा बिल्कुल नहीं होता है। लेमन ग्रास के साथ जिंजर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, तो आप ये सीज़न में ज़रूर ट्राई करें। और थोड़ा सा अच्छे से पकाएंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है, और इसके जो फ्लेवर है चाय की वो भी बहुत ही अच्छी आ रही है। पहले इसे अच्छे से उबालेंगे, और अच्छा कलर आ जाने के बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अब इसमें डाल देते हैं अदरक। आप खास ध्यान रखें, जब दूध अच्छे से उबल जाए तभी आपको अदरक डालना है। कभी कभी ऐसा होता है जब हम दूध अच्छे से नहीं उबालते और इसमें डायरेक्ट अदरक डाल देते हैं, वो फट जाती है। तो दूध अच्छे से उबल जाए तभी आपको अदरक डालना है, और अदरक डालते समय आपको एकदम पेस्ट नहीं डालना है, इसे थोड़ा बड़ा ग्रेट करके डालना है। चाय कभी कभी फट जाती है, इसके 2 ही रीज़न होता है, अगर दूध पुराना है तो, अदरवाइज़ अगर हम पहले से ही अदरक को डाल देते हैं तो। अब इसमें डाल देते हैं लेमन ग्रास। लेमन ग्रास को मैंने ऐसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ लेमन ग्रास। अभी इसे जस्ट थोड़ा सा हम उबालेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से चाय के साथ मिल जाए। लेमन ग्रास डालने के बाद आप 1 या 1.5 मिनट तक इसे उबाल सकते हैं ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। चाय हमारी रेडी है,